हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चैप्टर नंबर 10 को पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 11 में आपको बताएंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड जो इसके रूल आए थे 1975 में, इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं कि दिस इज़ एन एक्ट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन से रिलेटेड एक्ट बनाया गया था जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इसको टर्मिनेट कर सकता है एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद, और जो इससे कनेक्टेड बातें उसमें वह बताएंगे आपको हम। यह एक्ट 1971 में पास हुआ था, इसके रूल्स 1975 में पास हुए थे। जो एक्ट पास हुआ था वह 1971 में पास हुआ था, जो इसके रूल पास हुए थे वह 1975 में पास हुए थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे कि डेफिनेशन अंडर द एक्ट, सबसे पहली डेफिनेशन आती है गार्जियन, कि गार्जियन क्या होता है। इसमें बताएंगे कि मेंटली इल पर्सन की केयर करने वाला पर्सन उसका गार्जियन कहलाता है। सेकेंड, मेंटल इल पर्सन क्या होता है, वह पर्सन जिसको किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है उसको मेंटली इल पर्सन कहते हैं। जो इसकी थर्ड डेफिनेशन है माइनर, जो प्रेगनेंसी के लिए अपनी एज तक नहीं पहुंचा है ऐसे पर्सन को माइनर बोलते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन हो। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार उसका नेम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का। ऐसा हमारा रूल एंड एक्ट कहता है। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होता है उसके पास गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा हमारा रूल कहता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि कौन सी कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। यदि कोई प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है और वह एक्ट की कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम अपराधी नहीं बोल सकते हैं। कुछ कंडीशन इस प्रकार हैं, ही कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ, यदि वह प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है यदि, पहला पॉइंट है प्रेगनेंसी का टाइम 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है और 20 वीक से कम है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन ज़रूरी है। अगर 12 वीक से कम है तब तो एक ही प्रैक्टिशनर की द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा है और 20 वीक से कम है तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है, उनके ओपिनियन की आवश्यकता होती है। फिर भी इस कंडीशन में कि फीमेल की जान को खतरा हो सकता है, इस कंडीशन में आप टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। यदि महिला का कोई रेप कर देता है, इस कंडीशन में भी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चिल्ड्रन फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं है तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह पर। तो आपको हमने कुछ पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स में बताया कि कौन सी कंडीशन में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, नो प्रेगनेंसी ऑफ ए वूमेन शैल बी टर्मिनेट एक्सेप्ट विद द कंसर्न इन रिटिंग टू हर गार्जियन इफ, कि कौन सी कंडीशन में जो महिला है उससे नहीं पूछा जाएगा, उसकी गार्जियन की सलाह पर उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है वह 18 साल की नहीं हुई है तो उसके साइन नहीं कराए जाएंगे, यानी उसके उससे लिखित कोई प्रमाण नहीं लिया जाएगा, उसके गार्जियन जो बोलेंगे वही होगा। यदि कोई 18 ईयर की है और वह मेंटली इल है तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता बिना उसकी इच्छा से। तो कुछ पॉइंट्स
यहाँ पर हो गए। अब हम आपको रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के। तो इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, पहला रूल्स है इसका, थोड़ा सा ऊपर बताते हैं। द एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल या स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम अपडेट किए जा सकते हैं, यानी किए जाते हैं जो जो न्यू न्यू रूल्स हैं वह अपडेट किए जाते हैं। तो इसका जो पहला रूल्स है, जो अप्रूव्ड लोकेशन है वहीं पर टर्मिनेशन को यानी परमिटेड किया गया है, जो अप्रूव्ड लोकेशन है वहीं पर टर्मिनेशन को अप्रूव्ड किया गया है, जो रजिस्टर्ड एंड स्किल्ड प्रैक्टिशनर होते हैं उनको ही परमिशन होती है टर्मिनेशन की, ऑल डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में तैयार होने चाहिए जिस रीजन से वह टर्मिनेशन कर रहा है, जिस रीजन से भी टर्मिनेशन कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, ऑल नेसेसरी फैसिलिटी होना बहुत आवश्यक है, सभी फैसिलिटी का होना बहुत आवश्यक है, सफिशियंट नंबर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वह सफिशियंट नंबर में होने चाहिए, रिक्वायरमेंट स्टाफ यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना स्टाफ होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर यानी वहाँ पर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन अंडर द एक्ट, जो एमटीपी एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो किया जाना चाहिए, प्लेस फॉर द टर्मिनेशन जो जहाँ पर टर्मिनेशन किया जा रहा है वह अप्रूव्ड जगह होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल होना चाहिए, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो नोट्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड मेंटेनेंस और जो प्रेगनेंसी की जा रही है उसका रजिस्टर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब इसकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को बताते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या जो एक्ट में बताई गई इंफॉर्मेशन है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको क्या जुर्माना देना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, यदि कोई पर्सन जानबूझकर इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो पहली बार उसे 1,000 रुपये का फाइन देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई पर्सन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है और वह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसको 2 साल या 7 साल की जेल हो सकती है इस कंडीशन में। फिर बताया गया है कि जिस जगह पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया है वह जगह गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है तो उसको 2 से 7 ईयर की जेल हो सकती है। इसका लास्ट पॉइंट है कि जो जगह अप्रूव नहीं है उस जगह पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया तो वह जगह जिसकी होगी उसको भी 2 से 7 ईयर की जेल हो सकती है। तो यह इसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हो गए हैं। और इसके बाद इसके कुछ न्यू अमेंडमेंट के बारे में आपको बता देते हैं और यह टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अमेंडमेंट, द एमटीपी एक्ट 1971 एंड द एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 में अमेंडमेंट आया था। सबसे पहला इंडिकेशन में कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो जाता है जिस कारण प्रेगनेंसी हो जाती है तो वह केवल मैरिड वुमेन पर अप्लाई था। लेकिन जो एमटीपी एक्ट यानी जो 2021 में आया इसका न्यू अमेंडमेंट, इसमें जो अनमैरिड वुमेन है उनके लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर लागू कर दिया गया। इसका जो सेकंड पॉइंट है, गेस्टेशनल एज लिमिट कितनी थी, 20 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 24 वीक, 24 वीक होते हैं उनको कर दिया गया बढ़ाकर, बल्कि रेप केस में। फिर जो इसका थर्ड अमेंडमेंट आया था जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिकॉर्ड बिफोर टर्मिनेशन, यानी 12 वीक के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती थी और जो 20 वीक था उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो न्यू अमेंडमेंट आया 2021 में जिसमें 20 वीक के लिए 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही आवश्यकता होती है और 24 वीक के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वह कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।